हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज शीला किचन में बैंगन के पकौड़ा बना है और ये पकौड़ा कैसे बनाई हूँ वो आज शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और देर ना करते हुए चलिए देख लेते हैं बैंगन के पकौड़ा कैसे बनाई हूँ। बैंगन के पकौड़ा बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर बड़े बड़े बैंगन ले लिया है, और आपके पास छोटे बैंगन हो तो उसका भी बना सकते हैं। और इसे बैंगन को मैं धो लिया है अच्छे से, और दो टुकड़ों में काट लूँगी क्योंकि मेरा बड़ा बैंगन है। और यहाँ से बीच से कट करके मैं एक बार देख लूँगी बैंगन के अंदर, आपको तो पता ही है कीड़े भी होते हैं। और यहाँ से बीच से कट करूँगी, पतला पतला बीच से कट कर लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी बैंगन को भी कट कर लेंगे। ये डंडल सहित कट कर रही हूँ एक तरफ से। और फ्रेंड्स, मैं सारी बैंगन को कट कर लिया है, और यहाँ पर कढ़ाई रख लिया है गैस पर, और इसमें मैं पानी गर्म किया है और इसमें नमक डाल दूँगी। और यहाँ पर सारे बैंगन को मैं थोड़ा सा उबाल लूँगी, और यहाँ पर 75% हम बैंगन को पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए, मेरा बैंगन एक प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैं एक कटोरी बेसन डालूँगी, और एक छोटा कटोरी कॉर्नफ्लावर है, और यहाँ पर हरी धनिया पत्ती डालूँगी, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच यहाँ पर डालूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है, ये स्वाद अनुसार नमक, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालूँगी एक चम्मच, और यहाँ पर अमचूर पाउडर डालूँगी एक चम्मच, और इन सारी चीज़ों को मिला लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर थोड़े थोड़े पानी डालते हुए हम एक पेस्ट बनाएंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे, गुठलियाँ बनने लग जाएंगी नहीं तो। और यहाँ पर देखिए, हम ऐसे मिलाते हुए पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मेरा पेस्ट बन चुका है। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से डीप कर कर हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, उसमें ऑयल डालकर, और मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, और मैं फ्राई कर लूँगी पकौड़े को। और देखिए, एक तरफ मेरा हो गया है, पलट लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा फ्राई हो चुका है, और मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और बाकी का भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत कुरकुरी सी बनी है ये पकौड़ा हमारा, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है, इस वजह से कुरकुरी सी बनी है बाहर से। यहाँ पर मैंने सारे बैंगन के पकौड़े को फ्राई कर लिया है। देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में टेस्टी है ये। और यहाँ पर देखिए, एक प्लेट में मैं सर्व करूँगी गर्मा गर्म। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।